एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं व्यापार ज्ञान। आज हम फिर से आए हैं बवाना सेक्टर 3, और आज जो हम बिजनेस देखने वाले हैं वो है व्हील कवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। जैसे कि कोई भी 4-व्हीलर और 3-व्हीलर में व्हील कवर लगते हैं व्हील्स के अंदर, वो देखेंगे वो कैसे बनते हैं और क्या क्या वैरायटी के व्हील कवर हैं, कहाँ कहाँ वो सप्लाई करते हैं, पूछेंगे कुछ क्वेश्चन उनके बिजनेस के बारे में, जानेंगे उनके बिजनेस को। चलिए चलते हैं। सो हम आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ऑलरेडी व्हील कवर बने हुए हैं। और ये वो मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि व्हील कवर बनाती है। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं जो व्हीकल बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं कैसे व्हील कवर बनते हैं। बताएंगे सर कैसे बनते हैं व्हील कवर? पीपी दाने से डलता है। अच्छा, वहाँ पे पीपी दाना डलता है और यहाँ पे अच्छा अच्छा एक निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, एक देख लेते कैसे एक व्हील कवर बनते हैं। एक दिन में सर कितने बन जाते हैं, एक घंटे में कितने बन जाते हैं व्हील कवर? ये पूरा साइज पे डिपेंड करता है। अगर हमारा इसमें बड़ा साइज है तो 1 घंटे में 60 पीस आएगा। अच्छा, अगर छोटा साइज है तो वो 80 से 90 पीस 1 घंटे में बन जाता है। 1 घंटे में 80 या 90 पीस कैपेसिटी है मशीन की? जी। ओके, ठीक है। 24 आवर्स चलती रहती है मशीन। अच्छा, 24 शिफ्ट में दोनों चलती है। अच्छा, 24 आवर मशीन चलती है। तो ये हमारा एक व्हील कवर बन के तैयार हो चुका है, जस्ट अभी फ्रेश बन गया है, देख सकते हैं आप। तो सर ये सारी डाइयां रखी हुई है हमारी। जी। तो ये क्या डाइयां, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग डाइयां हैं? ये सर एक मॉडल की एक डाया होती है। अच्छा, अच्छा, एक मशीन से अपनी पूरी प्रोडक्शन हो नहीं पाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी अपना बाहर सारा जो वर्क होता है ये मशीन अपनी ओन है। अच्छा, ये अपनी ओन है। अच्छा, जो बाहर काम होता है वो हमारा जो वर्क ओके। और दाना सर, अगर दाना दिखाएंगे कौन सा दाना यूज करते हैं, यूज होता है इसका? दाना सर अपना इसमें पीपी से दाना यूज होता है। अच्छा, इसमें सर अपनी हैवी क्वालिटी का दाना यूज होता है। बेटा इधर आओ, फॉलो एक बार। ये सर हमारा रो मटेरियल, ये दाना है सर। दाने का नाम क्या है? दाने का नाम ये सर पीपी होता है सर, पीपी सेकंड का होता है सर। अच्छा, पीपी सेकंड का दाना है। जी जी। अच्छा, इससे ये व्हील कवर बनते हैं? जी जी, अपना सर। ओके सर, रो मटेरियल लिया जाता है, उसके बाद का सर पहला इसका काम दूसरा फिनिशिंग का होता है। जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा ये एक्स्ट्रा 3 चिप्स है। अच्छा, ये सर एक्स्ट्रा है इसके मशीन से। इसमें सर क्या है कि हमारे काम पूरा सिलाई करता है। आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे सर ये पूरा चिप्स है सर, ये अच्छा इसको हम फ्लैश बोल देते हैं। तो सर ये सर अपना चाकू से पूरा सिलाई करने के बाद में ये पूरा यहाँ से फिनिश, पूरा फिनिशिंग वर्क इधर होता है ये सर। ठीक है, ये सर सारा सर मैनुअल होता है। अच्छा, उसके बाद सर इसमें आगे सर फर्दर इसमें पेंट वगैरह सब इसमें बाकी सब उसके बाद होता है। इसके बाद ही सारा पेंट का प्रोसीजर और पैकिंग का प्रोसीजर इसके बाद ही होता है। जी। ओके सर, चलिए सर अब पेंट के प्रोसीजर पे चले। पेंट एरिया में अच्छा, इसमें सर जो हमारा नीचे से जो रो मटेरियल सिलाई होकर के आता है, सबसे पहले इसके ऊपर प्राइमर की कोटिंग होती है। अच्छा, ये प्राइमरी कोटिंग इसलिए होती है ताकि ये हमारा फेस जो है वो पेंट की पकड़ बना सके। ओके, इसमें सर जितना हमारा मजबूत प्राइमर होगा पेंट की क्वालिटी उतने ज्यादा तक सस्टेन कर पाएगी। मतलब पहले प्राइमरी कोटिंग होती है, उसके बाद पेंट की कोटिंग, उसके बाद सर इसमें हमारी पेंट की कोटिंग होती है। अच्छा, अगर पेंट की कोटिंग मैं दिखाऊं तो जैसे ये इसमें सर पेंट से कोट हो चुका है। अच्छा, तभी ग्लोसी फिनिश आता है इतना। जी जी, उसके बाद इसमें सर फाइनल टच आता है। अच्छा, इसमें सर टीयू क्लियर लगाते हैं जिससे कि पीस में चमक आती है। अच्छा, अभी सर ये मैट में है, इसमें सर उसके बाद चमक के लिए सर तीसरा कोट देते हैं। मतलब एक पीस पे सर 3 बार पेंट होता ही होता है। सबसे पहले प्राइमर होता है, उसके बाद सर जो भी कलर में चाहिए होता है वो होता है, उसके बाद सर हमारा इस पर टीयू कोट लगता है। ओके सर, उससे हमारा फाइनल कोट होता है। ओके सर, ओके।
पेंट होने के बाद यहाँ पे इनसाइड व्हील कवर सुखाया जाता है, आप देख सकते हो। तो ये स्टोरेज एरिया है जी, ये हमारा स्टोरेज एरिया है। अच्छा, जैसे सर ऊपर से सर ये हमारा सर पीस पेंट होकर आ गया, ये पीस सर हमारा सर पेंट होकर आ चुका है। हाँ जी, अब सर इसके ऊपर सर हम अपनी कंपनी का सर मार्का लगाते हैं। अच्छा, ये स्टोरेज और पैकिंग एरिया है बेसिकली। आइए सर, ये सर हमारे कंपनी से मार्का ने सिर्फ सर स्टिक कर दिया है। अच्छा, इसके बाद सर ये आप देख रहे हैं, स्टाफ से इसको मास्क को बड़े पन्ने में डाल रहे हैं। ये पन्ने में डालने के बाद बेटा बॉक्स बना दो, बॉक्स में पैकेजिंग होती है इसके बाद। ये सर देखिए, ये सर हमारा ग्लोस में से पूरा सर डबल कलर है, डबल कलर है जी जी। अच्छा, कितने की पैकिंग होती है? फोर की पैकिंग होती है, सेट ऑफ फोर की सर पैकिंग होती है। अच्छा, एक गाड़ी में सर चार व्हील्स होते हैं सर, चार से फोर की सर पैकिंग होती है हमारी। आप फोर व्हीलर की व्हील कवर बनाते हैं, थ्री व्हीलर या फिर अलग व्हीकल्स के व्हील कवर बनाते हैं? बात करूँ तो सर अपने पास सर 12 इंच से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, हमारी जो गाड़ियाँ ग्रीम होती है सर, वो जैसे छोटी गाड़ी अपनी आ गई सर, इसमें आल्टो आ गई, जो बगैर डिग्गी वाली गाड़ियाँ हैं, छोटा हाथी आ गई, लोडिंग गाड़ियाँ आ गई है, उसमें सर अपना 12 इंच से सर हमारा साइज 12 इंच का अलॉय जो होता है, 12 इंच का सर हमारा ड्रम होता है। अच्छा, तो वहाँ से हमारी शुरुआत होती है 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच और 17 इंच। अच्छा, हमारे पास सर जो रेंज है सर वो 17 इंच तक की है। अच्छा, सर आप हमारे पास देखोगे तो सर हमारा सर सबसे बड़ा पीस सर ये 17 इंच का सर ये है, जो कि हमारी ये एक्सयूवी गाड़ी है, जो महिंद्रा की एक्सयूवी है, महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है, जो लेटेस्ट मॉडल की है, उसमें सर 17 इंच लगता है। अच्छा, बाकी सर 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, वैरायटी आपको सारी मिल जाएगी और सारे मॉडल्स की आपके सारे मॉडल्स मिल जाते हैं सर, जो रनिंग के मॉडल्स होते हैं, जैसे अगर आपने सर देखा सर एक्सयूवी का डिजाइन था ये सर, एक इसको हमने सर नाम दिया हुआ कैमरी, कैमरी सर खुद का सर डेवलप किया हुआ होता है। अच्छा, ये सर मतलब किसी का कॉपीड नहीं होता है। अच्छा, आपके खुद का डेवलपमेंट डेवलप्ड है, खुद का सर डेवलप किया होता है। अगर उसमें सर आऊँ, इसके बाद सर आप देखोगे सर जो हमारे पास सर ये डिजाइन है, ये सर अपना जो हमारी गाड़ी आई थी स्विफ्ट 2015, यस, ये सर उसका डिजाइन सर देख के पता चल रहा है जी। ये सर हमारा जो कंपनी का सर जो ओरिजिनल डिजाइन आता है, उनमें सर हम थोड़ा सा 19-21 करके मार्केट में सर हर जगह यही है, इसमें सर हम प्राइमेक्स सर कोई नया नहीं है, कस्टमर को भी सर यही चाहिए, ये चाहिए होते हैं सर। हाँ जी, ये सर उसके सर ओरिजिनल अगर बात करो सर, कम से कम सर आपसे सर ये 2.5 से 3 हज़ार रुपए की। हाँ जी, कंपनी में शोरूम में इतना प्राइस उसका, और सर ये हमारे यहाँ पे सर होलसेल में सर यहाँ से वो थोड़ा उससे काफी सस्ते रेट में मिल जाता है। अगर सर मैं दूसरा सर आपको डिजाइन दिखाना चाहूँ तो सर ये हमारी सर जो लेटेस्ट जो डिजायर गाड़ी आई थी डिजायर 2017, ये सर उसका डिजाइन है, ये सर 14 इंच में। अच्छा, तो सर हमारे पास सारी सर गाड़ियों से हम सर पूरी गाड़ी से सारी गाड़ी इसमें हम कवर करते हैं, हमारे पास सर रेंज की सर कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बार मैं डब्बे की पैकिंग दिखा दूँ आपको कैसे है। हाँ, डिब्बे बेटा डिब्बा पैक करके दिखा दो। जैसे तो ये हमारा एक सेट पूरा तैयार हो चुका है, सर सेट हमारा पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन सर ये सर कौन सा सेट हमें पता नहीं चलेगा, किस साइज में पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो इसके ऊपर सर हमने सर हमारा पूरा ये स्टिकर लगा दिया कि सर ये 14 इंच में डिजायर 2017 मॉडल मॉडल है सर। ठीक है सर, इसे साइज सर हमारा ये हो गया, मॉडल नेम सर हमारा ये हो गया। ठीक है सर, जो आप देख रहे हैं ये सर हमारी मास्टर पैकिंग, जो माल बाहर की पार्टी जिनका माल ट्रांसपोर्ट से जाता है, तो सर हम उनका सर ये कार्टन सर पूरा पैक करके ट्रांसपोर्ट में हम भेजते हैं। इसके अंदर कितने पीस होते हैं सर? सर इसमें जो 12 और 13 इंच के होते हैं सर वो 20 पीस होते हैं, और बाकी सर 14, 15, 16, 17 इंच के सर होते हैं, 14 पीस होते हैं, बॉक्स होते हैं इसके अंदर, बॉक्स होते हैं सर, एक सेट होता है। आप इसमें देखोगे सर ये हमारी प्रॉपर से पूरी पैकिंग है, प्रॉपर से टाइट पूरे बेल्ट लगा रखे हैं, और ये सर इतना हमारा टाइट पैकिंग होती है कि इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो माल जैसा पैक हुआ है वैसा ही हम आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ओके सर। सो गाइस, देखा आपने व्हील कवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, कैसे एक व्हील कवर बनते हैं, बनने में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है, पैकिंग कैसे कैसे होती है, साथ ही साथ मैं सर की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
सर मैन्युफैक्चर हैं तो ये बल्क में डील करते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया भी है। अगर आप बल्क में लेके या रिटेल करते हैं मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रहता है इसके बीच में। तो किसको बिजनेस स्टार्ट करना है कर सकते हैं, सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही सर की मैं सेकेंड वीडियो भी आने वाली है, इनका खुद की शॉप है, रिटेल काउंटर है कश्मीरी गेट में, वहाँ पर जाएंगे उनका इंटरव्यू लेंगे, सर से पूछेंगे कुछ क्वेश्चन क्या क्या चीज़ों में और क्या क्या चीज़ों में डील करते हैं, कौन कौन सी कार एसेसरीज में वो और डील करते हैं और क्या प्राइस रेंज रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में पूछेंगे सर से। तो देखिए हमारे सेकंड वीडियो भी देखना जरूर, साथ ही साथ अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। इन फ्यूचर हमारी और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी और काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग बिजनेस को हम दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, व्यापार ज्ञान को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।